नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज मेजा से। आठ सूत्रीय मांगों को ले मेजा के लेखपाल रहे आंदोलित, किया कार्य बहिष्कार। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील मेजा में लेखपाल आज आंदोलनरत रहे। इस संबंध में लेखपाल संघ अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि 13 दिसंबर 2019 को जिले का घेराव एवं 26 दिसंबर तक अनवरत जिले पर धरना व अन्य अग्रिम कार्यवाही की योजना बनाई गई। लेखपाल संघ के जिला संगठन मंत्री यमुना पार रमाशंकर शुक्ला एवं लेखपाल संघ अध्यक्ष मेजर अनिल कुमार शर्मा की अगुवाई में मंत्री चंदन कुमार पांडे, गजराज सिंह, अनुप द्विवेदी, हर्ष श्रीवास्तव, रणजीत यादव, अनिल सिंह, जावेद अंसारी, बाड़ी विलास, संदीप मिश्रा, सुनील श्रीवास्तव, कुलदीप यादव आदि तहसील के समस्त लेखपालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये 40 किलोमीटर नरंज में ये पड़ता है, तहसील पड़ता है, आखिर क्यों बैठे, क्या कारण है, क्या मांगे हैं आपकी? कारण ये है कि हम लोग आठ सूत्री मांगे लेकर के अनवरत 5 नवंबर से अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी 10 दिसंबर से कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है और 3 दिन तक यानी कि 12 दिसंबर तक तो अभी तहसील में ही ये धरना प्रदर्शन चलेगा। और आठ सूत्री मांग में ये मांगे इतनी न्यूनतम है, इतनी साधारण है कि इसे शासन को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं है। जैसे कि 2800 ग्रेड पे हम लोगों को लगातार क्षेत्र से लेकर यहाँ तक दौड़ भाग करनी पड़ती है। 3 रुपये 33 पैसे में हमसे 50 किलोमीटर का फील्ड विजिट करवा रहे हैं, तो ये इनको यात्रा भत्ता देना कोई गलत बात नहीं है और हर संगठन भी इसमें समर्थन में आ रहा है। और कल से हम लोग जिले पर जा रहे हैं और जिले पर 26 तारीख तक अनवरत ये धरना प्रदर्शन चलेगा। उसी के साथ साथ हम लोग अपने पदनाम उप राजस्व निरीक्षक पद के पदनाम परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ स्नातक हम लोग शैक्षिक योग्यता की बात कर रहे हैं। ये सब ऐसी नॉर्मल चीज़ें हैं जिन पर शासन को कोई कठिनाई नहीं है, कोई अतिरिक्त इनके ऊपर चार्ज भी नहीं है। पद परिवर्तन के साथ साथ हमारे प्रमोशन की मांग हो रही है। प्रमोशन में ये है कि कोई 30 साल कोई 32 साल की सेवा समाप्त कर रहा है, उसके बावजूद भी उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये गलत बात है। 5 साल की सेवा पर अन्य विभागों में पद परिवर्तन भी हो जा रहा है, प्रमोशन भी हो जा रहा है और यहाँ 30 साल की सेवा पर कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं और लगातार जब तक ये सरकार की हठवादिता है जो हमारी मांग नहीं पूरी कर रही है, ये मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। और इस हठधर्मिता के चलते जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं रमाशंकर शुक्ला हूँ, जिला संगठन मंत्री जमुना पार। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या लखनऊ तक जाएंगे, सीएम दरबार तक जाना चाहते हैं आप लोग? जी हाँ, ये मांगे। अच्छा, ये हमारी मांग अगर जिला स्तर पर मान ली जाती है और वहाँ भेज कर आश्वासन से काम अब नहीं चलेगा। 3 बार 4 बार आश्वासन दिया गया कि हाँ आपका काम कर दे रहे हैं, अब मांग पूरी हो जा रही है, ये मांग पूरी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। जब तक नहीं होगा तो अब तक अब अनिश्चितकालीन, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम धरने पर रहेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार शर्मा, यहाँ तहसील अध्यक्ष।